नमस्कार। आज हम गुलकंद के साथ मोदक बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने हाफ केजी खोआ लिया है। इसको पहले हम भूनने रखेंगे, भूनेंगे इसको धीमी आंच पर। ये देखिए मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया है गैस पर, और इसको धीमी आंच पर हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए हमारा खोआ भुन गया है, और हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 100 ग्राम चीनी है। तब तक भूनना है इसको जब तक ये तली न छोड़ने लगे। देखिए भुन गया है, हम इसे गैस बंद कर देंगे, इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए मैंने इसको नीचे उतार लिया है, और हम इसमें ये इलायची पाउडर मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको इस थाली में पलट के रख देंगे। ये ठंडा होने तक फिर हम बनाएंगे। खोया हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और इसमें थोड़े हम यहाँ पर ये पिस्ते रखेंगे। ये पिस्ते रख लिए, और फिर हम इसमें अपना ये खोआ रखेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हम पूरा कर लेंगे, और इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से, और पीछे इसको बंद करके यहाँ पे हम अपना ये गुलकंद भरेंगे। ये गुलकंद के इसमें हम गुलकंद की, और इसको हम बंद कर देंगे नीचे से। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। देखिए हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने सभी तैयार कर लेंगे। तरह से लगाएंगे इसमें पिस्ते लगाएंगे इसमें, और ये खोआ भरेंगे। इस तरह से देखिए इसको ऊपर से हटा देंगे ये सब, और ये बीच में खाली कर लेंगे इसको जगह को, और साफ करेंगे, और यहाँ पे जगह करेंगे इस तरह से, और इसमें हम ये गुलकंद भर देंगे। देखिए ये गुलकंद भर देंगे, और इसको यहाँ से पैक कर देंगे। देखिए हमारे गुलकंद के मोदक बनके तैयार हो गए। इसी तरह से हम अपने सभी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, और भी इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए हमारे गुलकंद मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। गणेश जी को भोग लगाइए, आप भी बनाइए, और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।